पूछना चाह रहा है कि मुख्यमंत्री जी कहाँ हैं। आप लोग भी तमाम डिमांड कर रहे हैं, इनफैक्ट आपने तो इनाम भी रख दिया कि जो ढूंढ के ले आएगा उनको इनाम भी देंगे। अरे भाई स्वाभाविक है, इस राज्य के मुख्यमंत्री है, परसों रात से ही लोग बता रहे हैं लापता है। आखिर राज्य के जो इंटेलिजेंस विभाग है, पुलिस महकमा है, अगर उन लोगों को भी पता नहीं है तो उनके बारे में, तो ये तो बड़ा गंभीर मामला है। और हम तो चाहेंगे कि भाई राज्य के डीजीपी पुलिस को बताना चाहिए कि राज्य के मुख्यमंत्री कहाँ है, उनके सुरक्षा कर्मी कहाँ है, क्या कर रहे हैं, कहीं कोई अनहोनी घटना भी हो जाए तो बड़ी दिक्कत है ना, कि राज्य के लिए संकट, संवैधानिक संकट एक प्रकार से पैदा हुआ है राज्य। अब परसों रात से ही राज्य के मुख्यमंत्री का कोई अता पता नहीं है, कोई बताने को तैयार नहीं है कि कहाँ है, तो इसको क्या मानेंगे? ये तो बड़ी क्या बोलते हैं इसको, कि मुख्यमंत्री कहीं भाग जाए, जो संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति, और उसको ढूंढने में पूरी देश भर की पुलिस लगी हुई है। हालांकि जेएमएम और पूरी सरकार की जो मशीनरी है, जो पूरी सरकार है, वो कह रहे हैं कहीं भागे नहीं है, टाइम ईडी नहीं दिया था 31 का, इसलिए 31 का जवाब देंगे। अरे भाई जवाब देंगे कि वो, हम तो अभी तक नोटिस देखे नहीं, अब नोटिस उन्होंने जवाब किसके ओर से, मुख्यमंत्री को नोटिस गया है। हमको कल किसी ने बता रहा था कि सरकार ने लिखा है, सचिवालय ने लिखा है, मंत्रिमंडल सचिवालय मंत्रिमंडल, जो मुझे जानकारी है, मैंने कोई देखा नहीं है चिट्ठी। तो मुझे लगता है कि भाई मुख्यमंत्री को व्यक्तिगत रूप से उनके ऊपर आरोप है, सरकार के ऊपर आरोप नहीं है ये आरोप, कि उन्होंने नामी बेनामी जो संपत्ति अर्जित की है, तो केस तो उनके ऊपर है। उनका चिट्ठी तो कोई किसी ने कोई बता नहीं पाया, मैं कल से लोगों को पूछ रहा हूँ कि हेमंत सोरेन ने मेल किया है तो फिर पता चलेगा कि हाँ हेमंत सोरेन कहीं है, लेकिन हेमंत सोरेन ने तो मेल भी शायद नहीं किया है। मेल तो उनके मंत्रिमंडल सचिवालय, यानी एक प्रकार से अफसर लोग उन्हें तथ्यों को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, ये गलत है, लोकतंत्र के हित में भी नहीं है, और मुझे लगता है ये बड़ा, इसलिए हमने तो कहा कि भाई कि पुलिस महकमा तो कोई उनको खोज नहीं कर पा रही है, जेएमएम के लोग कोई बताने को तैयार नहीं, कहाँ है उन लोगों को भी पता नहीं है, सच तो यही है स्थिति। लेकिन ऐसी हालत में मैंने ये कहा है कि भाई अगर कोई भी व्यक्ति मुख्यमंत्री को खोज करके लाएगा तो हमारे उनसे उनको इनाम दी। लेकिन मुख्यमंत्री की ओर से आप कह रहे हैं, लेकिन आपके सांसद निशिकांत दुबे को पता है कि लखनऊ से वो सीधे सड़क मार्ग से राजधानी रांची पहुंच रहे हैं और कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बनाने की कवायद की। भाई निशिकांत जी को क्या पता है, मुझे नहीं जानकारी, लेकिन हम तो जो राज्य की जनता किसी को भी पूछिए किसी को नहीं पता है, उनके लोगों को नहीं पता है, उनके लोग नहीं बता रहे, हम तो वो तो अनुमान लगाए होंगे, हम तो मानेंगे ना, डीजी पुलिस बताएगा उसको मानेंगे। तो सर इनाम कितने का होगा आपके तरफ? इनाम हमने कहा है अभी 11,000। सर संवैधानिक संकट की आप बात कर रहे हैं कि संवैधानिक संकट, अरे स्वाभाविक है, तो राजभवन जाएंगे क्या? जब कोई, अब जाना होगा तो हम देखेंगे कि जब कोई मुख्यमंत्री का आता पता नहीं है तो संकट तो है ना कि भाई नहीं है, कहीं भी कोई अगर मुख्यमंत्री जाते हैं या तो छुट्टी लेकर के कहीं हॉलीडे मनाने जाते हैं, कुछ दिन पहले गया भी था बाहर, तो सबको पता रहता है कि हम मालदीव गए हुए या घूमने गए हुए, व्यक्तिगत कामों से भी जाता है, लेकिन छुप के थोड़े जाएगा कोई मुख्यमंत्री भाई। अब मुख्यमंत्री छुप के जा रहा है, छुप के भाग रहा है, छुपे फिर रहा है, ये तो आश्चर्य है।